चलो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेकर आप आ गए हैं। आपका स्वागत है इंटरेस्टिंग जीपी पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत स्पेशल, इसलिए अंत तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे सिस्टम के बारे में जिसको लेकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के लिए एक्वायर किए जाने वाले 4 LPD प्रोग्राम को लेकर। LPD यानी लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक, जिसको हेलीकॉप्टर कैरियर भी कह सकते हैं। कुछ समय पहले इंडियन नेवी की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलीज किया गया था, इस पर इस सिस्टम को लेकर कुछ डिटेल्स बताई थी। और ये रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन हर उस वेंडर के पास भेजा गया इनके पास खुद का अपना सिस्टम अवेलेबल है। थ्योरेटिकली दोस्तों, जिन 3 वेंडर्स को इंडियन नेवी देख रही है, उसमें पहला वेंडर है DCNS, जो कि मिशन ग्लास का एम्फीबियस असॉल्ट शिप बनाती है। दूसरा वेंडर है नवादशाह, जो कि उनकार्स ग्लास के मल्टीपर्पज एम्फीबियस असॉल्ट शिप को बनाती है। वहीं पर अगर तीसरे वेंडर की बात की जाए तो इनकी बिड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, लेकिन अमेरिकन इनल शिप बिल्डिंग सैन एंटोनियो क्लास के एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक को भी यहाँ प्रेजेंट करेंगी। थ्योरेटिकली ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेंच मिसराल और स्पेनिश हुआन कार्लोस के बीच में टफ कॉम्पिटिशन होगा। यहाँ से इंडियन नेवी के लिए ये डिजाइन सिलेक्ट किया जाएगा। इंगाल शिप बिल्डिंग को छोड़कर बाकी दोनों वेंडर्स ने अपने इंडियन पार्टनर चूज कर लिए हैं। हुआन कार्लोस LNT द्वारा बनाया जाएगा। मे बी मिसराल अगर सिलेक्ट होता है तो हिंदुस्तान शिप बिल्डर्स के साथ में इसका निर्माण किया जाएगा। देखिए, पहली बार नहीं है इंडियन नेवी की तरफ से इस समय के सिस्टम एक्वायर किए जाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी इंडियन नेवी की तरफ से ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई थी, और उस समय भी जो 2 सिस्टम शॉर्टलिस्ट किए गए थे वो मिस्ट्राल और हुन कार्लोस ही थे। बस डिफरेंस ये था कि हुन कार्लोस तो LNT ही बना रहा था, लेकिन मिस्ट्राल को इंडिया में रिलायंस बनाने वाला था। बाद में रिलायंस शिपयार्ड बैंकक्रप्ट हो गया और ये डील आगे बढ़ नहीं पाई। कारण था कि LNT बस सिंगल वेंडर बन गया था, और उसके चलते ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रिट्रैक्ट करना पड़ा। अब इंडियन नेवी की तरफ से जो दोबारा प्रोसेस शुरू किया गया है, यहाँ पर मिसराल क्लास को HSL बनाएगा और नेचुरली उन कार्लोस को LNT ही बनाने वाला है। देखिए, इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट 4 ऐसे शिप्स की है, और आइडिया है कि अगर आज ऑर्डर दिया जाता है तो अगले 5 साल में पहला शिप भारतीय नौसेना को मिल जाना चाहिए, और वहाँ से हर एक शिप भारतीय नौसेना को 1 साल के अंदर मिलना शुरू हो जाना चाहिए। इस टाइमलाइन को देखते हुए कई लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि भारत खुद का डिज़ाइन नहीं बना सकता क्या? हम लोगों ने अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है तो एम्फीबियस शिप इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है? देखिए, आर्ग्यूमेंट से के लिए कहा जा सकता है कि भारत अपना खुद का डिज़ाइन बना सकता है। वैसे तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर और एम्फीबियस असॉल्ट शिप पूरी तरीके से अलग तरीके के सिस्टम्स हैं, लेकिन देश में अगर खुद का डिज़ाइन बनाने की कोशिश की जाए तो ये पॉसिबल है, और भारत खुद का एम्फीबियस असॉल्ट शिप डिज़ाइन बना भी सकता है। लेकिन 2 परेशानियां हैं। एक, भारत की तरफ से जो डिजाइन बनाया जाएगा उसके साथ में एक रिस्क रहेगा, क्योंकि वो डिजाइन एक प्रूवन डिजाइन नहीं होगा। दूसरी चीज, जब भारत अपना खुद का डिजाइन बनाएगा तो रास्ते में बहुत सारे रोड ब्लॉक्स होंगे, इसी वजह से फाइनल प्रोडक्ट की टाइमलाइन और कॉस्ट दोनों ज्यादा ही होंगे। वैसे तो ये रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन साल 2021 में आया था, और इस समय हम 2024 में, यानी लगभग 3 साल हो चुके हैं ये रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और RFP के बीच में। अभी भी इंडियन नेवी की तरफ से RFP रिलीज नहीं किया गया है। वैसे वेंडर्स का मानना था कि इस महीने एक RFP रिलीज किया जा सकता है, और ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इंडियन नेवी की तरफ से आएगा, यानी अभी यहाँ पे DSC या CCS का अप्रूवल नहीं लगेगा, केवल नेवी की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ही आएगा, और उसके बाद प्रपोजल सबमिट होने के बाद में एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी आएगा। दोनों वेंडर्स की बिड को इवेल्यूएट किया जाए तो वन कार्लोस के चांसेस ज़्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि भारत F-35 लाइनिंग वो ऑपरेट नहीं करता है, और इसी वजह से हम लोगों के पास में किसी भी तरीके का वर्टिकल टेक ऑफ प्लेन नहीं है। असल में हम कार्लोस का एक्सटेंडेड डेक भारत के किसी भी काम नहीं आने वाला, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का कॉस्ट बढ़ ही जाएगा। ऐसे में L1 वाले एंगल से उन कार्लोस की बीड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही है, लेकिन पहले से ही जो भी इंडिकेटर्स मिल रहे थे वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडियन नेवी उन कार्लोस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ऐसे में ओवरऑल प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और इंडिकेटर्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से आने वाले कुछ महीनों के अंदर यहाँ पर रिक्वेस्ट और प्रपोजल आने के चांसेस दिख रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप से दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ। और दोस्तों कमेंट करके बताइए दीदी कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके ज़्यादा कि भारत में ऐसे एम्फीबियस और बनने चाहिए, और हमें खुद का डिज़ाइन बढ़ाना चाहिए, आपकी राय बताइए दोस्तों। हम हर रोज़ आपके वीडियोज लेकर आते हैं आपकी मनपसंद टॉपिक्स के ऊपर।
अगर आप कहेंगे हम और ज़्यादा वीडियोस देख आएंगे आपके लिए। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलना। और दोस्तों ये जो तीन वीडियो इनमें से भी अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो ये भी जरूर। फिर मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो, तो धन्यवाद, जय हिंद।